गाइस तो आज का व्लॉग जो है वो शुरू हो चुका है और वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फिर शेयर भी ज़रूर करना। तो गाइस यहाँ पे मैं रख रही थी दाल और दाल का जो भी पानी है वो अभी गर्म नहीं हुआ था, इस करके जो है मैंने उसमें दाल नहीं डाली थी। और चाय के जो बर्तन है ना वो ऐसे रखे हुए थे, मतलब कि कप वगैरह, तो पानी भी जो है ना आ चुका था, तो फिर मैंने जो है ना उनको धोने के लिए भी रख दिया था इधर। और मैंने इसकी पाइप के नीचे ही रख दिया, जो आर ओ की फ़िल्टर करने वाली पाइप होती है, मखा चलो इसमें पानी चला जाएगा नीचे। और यहाँ पे जो है पापा को चाय दी थी ना, तो उनका जो कप है वो मैंने रख दिया था। और जो नीचे डिब्बा दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर ना नमकीन भर रखी है बहुत ज़्यादा वाली, इस करके। और इन दोनों को फिर मैं साथ में ही ले आई, चाहे ये कप नीचे गिर जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। तो मैं जो है आपको ये नमकीन दिखा रही थी कि देखो ये चाय के साथ ऐसी वाली नमकीन खाते हैं हम, तो बस अच्छी लगती है ये बहुत ज़्यादा, तो मैंने आपको दिखा दी। और दाल के लिए जो है ना मसाला तैयार किया जा रहा था, तो और साथ साथ ना मम्मी के फ़ोन से एक वीडियो ले रही थी जो मम्मी ने बना रखी थी, वो ना हो आ ही नहीं रही थी, सेव नहीं हो पा रही थी वो वीडियो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था उसमें, 2-3 बार ट्राई किया तब जाके सेव हुई। और फिर दाल इधर जो दाल का पानी जो है ना वो भी गर्म हो गया था, तो मैंने जो है ना उसमें दाल जो है डाल दी थी, मसाले वगैरह तो मम्मी ने डाल ही रखे थे उसमें दाल में, तो फिर मैंने जो है दाल डाल दी उसमें। और तो फिर मम्मी कह रही कि चल तू बंद कर दे, मैं बना देती हूँ लोग, मैंने कहा चलो कोई नहीं आप बना दो। और तो मैंने मम्मी से फ़ोन ले लिया था, और ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। यहाँ पे जो है ना मम्मी सिलाई कर रही है, मतलब कि स्टिचिंग कर रही है एक सूट की। और तो अब मतलब कि ये दोपहर के टाइम का व्लॉग था। और बेडशीट वगैरह जो है सेट कर के रख दी थी अच्छे तरीके से बिल्कुल ही, और जो ये वाली बेडशीट है वाली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिल्कुल कॉटन की है प्योर। और यहाँ पे आप मेहंदी के जो पत्ते हैं ना उनको जो है मम्मी ने तोड़ लिया था, मम्मी कह रही थी कि चलो कल इनकी मेहंदी बनाएंगे, आज मम्मी ने जो है ना मेहंदी के पत्ते राहुल से मंगवाए थे। और आज पते क्या हुआ, हम लोग गए मेहंदी के पत्ते तोड़ने के लिए नीचे, तो एक कुत्ता था ना वो ना भौंकने लग गया, उसको पता नहीं क्या लगा कि क्या पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं ये, तो वो भौंकने लग गया वो कुत्ता। और फिर ना वो उसने उसको कुत्ता ऐसे भौंक लगा, उसके चक्कर में ना और कुत्ते भी आ गए, तो ऐसा सीन हुआ आज हमारे साथ। तो मैं तो जा रही थी बाहर, तो कुत्ते मेरे पीछे पड़ने वाले थे पर पड़े नहीं, तो फिर इधर मम्मी ने जो है ना दूध भी रख दिया था फ्रिज में, गर्म तो हो गया था, मतलब कि ये ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रिज में, तो हम फ्रिज में रख देते हैं उबालने के बाद सुबह सुबह। और जो फिर ये आज मम्मी ने ना काफ़ी सारा काम किया, सोफ़े के कवर, पर्दे के कवर, इन सब के सारों के कवर जो धोए दिए थे अच्छे तरीके से। वैसे तो मम्मी ने अभी जो है कवर वगैरह धोए हुए का कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी धोए थे, पर मम्मी ने जो है ना एक बार फिर से धो दिए। और यहाँ पे मम्मी ने सारे पर्दे उतार दिए थे, और ये सोफ़े के कवर ये सबको भी निकाल के धो दिया था। पता है क्या, इनमें ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है जिनके कुशंस वगैरह ने इनको निकालने, क्योंकि इनकी ना जो सिलाई कर रखी है मम्मी ने, तो सिल के दोबारा मतलब कि सिलाई भी मशीन से नहीं, सिर्फ सुई से ऐसी सिलाई कर रखी है, फिटिंग कर रखी है अच्छे कुशन के हिसाब से, तो वो बार बार ऐसे निकालना पड़ता है। तो मैं तो कहती हूँ मम्मी कि मम्मी अभी तो टाइम भी नहीं हुआ था इनको धोए के लिए, धोने का इनका टाइम भी नहीं हुआ था, आपने तो जल्दी धो दिया। मम्मी कहती कि नहीं फिर भी ऐसे अच्छा नहीं लगता, मम्मी ने फिर से दोबारा से धो दिए ये। और अभी जो है इनको टाइम 1 महीना ही हुआ होगा शायद से कह रही हूँ मैं, कन्फर्म नहीं है, या तो फिर 1 महीने से कम ही टाइम हुआ होगा, अभी धोए थे ये। तो बस आज का तो मम्मी का सारा दिन ना इन सारे काम में निकल गया, सारे कवर वगैरह पर्दे वगैरह धोने के उसमें। तो गाइस बस आज के व्लॉग में इतना ही, आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।